सीहोर जिले की सभी तहसील सीहोर शहरी, सीहोर ग्रामीण, इच्छावर, आष्टा, बुधनी, नसरुल्लागंज, जवार, रहटी व श्यामपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। स्थानीय आष्टा पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम विधायक रघुनाथ सिंह मालवी के मुख्य आतिथ्य, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती हेमकुमार मेवाड़ा, विधायक प्रतिनिधि राय सिंह मेवाड़ा, पार्षद महमूद अंसारी, अतीक कुरैशी, पत्रकार जुहूर मंसूरी, बीआरसीसी अजब सिंह राजपूत के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में शाला परिवार के डॉक्टर सुरुचि मैम, अशफाक खान, असलम खान द्वारा अतिथियों का पुष्प माला व पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई, वहीं निबंध प्रतियोगिता सहित अन्य खेल गतिविधियां भी संपन्न हुई। तत्पश्चात आयोजित प्रतियोगिता एवं शैक्षिक कार्य में अव्वल रहे विद्यार्थियों को मंचासीन अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय ने कहा कि इस तरह के आयोजन से छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा अर्थात कला को बाहर निकाला जाकर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के सीख मिलती रहती है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि राय सिंह मेवाड़ा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ उपस्थित आप सभी बच्चे देश के चमकते सितारे हैं। जिस प्रकार से आप खेल में रुचि दिखाते हैं, उसी प्रकार शिक्षण व अध्ययन कार्य को भी खेल की तरह लेकर पूरी रुचि के साथ करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। श्री मेवाड़ा ने यह भी कहा कि पढ़ाई के समय कुछ चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप अपने शिक्षक से उस चीज के बारे में जब तक पूछे जब तक कि आपको उसके बारे में पूरा ज्ञान न हो जाए। अगर संकोच करके उस चीज को सीखोगे नहीं तो बीच में अटक कर उलझ जाओगे। ऐसा करने वाले विद्यार्थी कभी सफल नहीं होते और वैसे भी विद्यार्थी जीवन सीखने के लिए ही होता है। जितना ज्यादा आप पूछोगे उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें, आप देश के भविष्य हैं। स्कूलों में प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्रों के अंदर आत्मविश्वास को लाने और उन्हें को अच्छी सीख देने, समाज में अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाकर बेहतर निर्णय ले सकें, इसलिए ही किए जाते हैं। इस अवसर पर जावेद खान एडवोकेट द्वारा दादा सोनी, जितेंद्र गुदासा आदि सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण मौजूद थे। भारतीय न्यूज के लिए आष्टा से जुहूर मंसूरी की रिपोर्ट। तो फेल भी हो जाते हैं तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, आप फेल हो गए तो आप कमजोर नहीं हो, रहता है कभी कभी। बहुत अच्छे अच्छे आप इतिहासकार देखो, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को देखो जो पहले प्रयास में हमेशा फेल हुए लेकिन उसके बाद आगे उन्होंने बहुत सारी सफलताएं अर्जित की है। असफलता आपको सिखाती है कि आपके प्रयासों में कहीं कमी है, तो आप अपनी गलतियों को ढूंढें, निराश कभी नहीं होना है। चलता है, ये परीक्षा है जीवा, हम सब यहाँ पे जो खड़े हैं ना सब, ये परीक्षा ही है, ये भी परीक्षा है। आज वकील साहब वहाँ पे बोल रहे हैं, उनको संचालन के लिए बुलाया गया तो वो भी घर से सोच के आएंगे, यार आज ऐसा नहीं हो कि मेरा कार्यक्रम अच्छा हो बुरा हो किस तरह से बोलूँगा। आज वो अच्छा संचालन कर रहे हैं तो पास हो गए। आज आपके शिक्षक आपको पढ़ाते हैं और वो उनकी संतुष्टि अगर उनको होती है कि नहीं मैंने आज बच्चे को अच्छा पढ़ाया है तो वो पास हो गया। लेकिन अगर आप मन में कभी जाते हैं ना कुछ सोच के कि यार मेरे को ये चीज़ बोलना और वो नहीं बोल पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक कि भाई आज मैं अपने कार्य में फेल हुआ हूँ लेकिन मैं कल जाके इस कार्य को पूरा करूँगा और बेहतर तरीके से करूँगा और पास होकर दिखाऊंगा। इसी तरह से आप लोग भी कोई सी भी कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आपको कोई सी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, अपने टीचर से 10 बार उस चीज़ को पूछिए। अपनी क्लास में जो अच्छा लड़का है जो अच्छा पढ़ता है और अपन उससे जाके थोड़ा मशवरा करिए कि यार आप किस तरह से पढ़ते हैं, मेरे पढ़ाई का तरीका कैसा है, तो आप इस तरह की सारी चीज़ें उनसे कीजिए। उसका देखिए जो अच्छा सफलता अर्जित करता लड़का उसका सूत्र क्या है, किस तरह से पढ़ाई कर रहा है। तो आप मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि आप जब भी पढ़े कुछ भी अगर पीछे रह जाए कोई आगे भी चले जाए तो किसी से जलस की भावना ना रखें, बिल्कुल अपने आप में आगे जाने की प्रेरणा लें क्योंकि सफलता असफलता जीवन में आए हैं तो सारी चीज़ें चलती रहती है लेकिन जो असफलता से आगे निकलेगा वो जाके बहुत सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now to most exciting channel ever.